अमेरिका कहता था रूस आगे बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुतिन कहते थे अमेरिकी सैनिक वॉर जोन में आए तो जंग का दायरा बढ़ेगा, मगर नतीजा क्या निकला? वॉर जारी है और अब इसी तरह की बातें दोबारा होने लगी, मगर इस बार सिचुएशन अलग है। रूस और चीन अभी से ही साथ आ गए, फिलिस्तीन के सपोर्ट में है और अमेरिका के खिलाफ मिडल की जंग सुपर पावर्स के वर्चस्व की लड़ाई बनने वाली है। इसराइल हमास के हिंसक संघर्ष के बीच अमेरिका एक तरफ है और रूस चीन दूसरी तरफ। रूस की पहल से रखा गया युद्ध विराम का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रद्द हो गया, क्योंकि उसमें हमास के आतंकी हमले की निंदा नहीं की गई थी। रूस के साथ चीन के अलावा यूएई, मोजाम्बिक और गेबोन थे। विरोध में अमेरिका के साथ फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और स्विट्जरलैंड समेत 6 देशों ने इस पर वोट नहीं दिया। प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए होते हैं। 5 votes in favor, 4 votes against, 6 abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. इधर हमास के हमले के बाद आज 11वां दिन है। उधर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल पहुंच गए। 24 घंटे बाद वॉर ड्रिल भी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के फाइटर जेट्स भी मैदान जंग में उतरने को तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि इन सारी तैयारियों के बीच 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसराइल की धरती पर कदम रखेंगे। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा अहम है, ये आगे की दशा और दिशा तय करेगा। बुधवार को प्रेसिडेंट बाइडेन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे, वहां 5 घंटे रुकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन इसके बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान जाएंगे, गाजा की सप्लाई लाइन और मानवीय त्रासदी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इसराइल के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब इस जंग के 2 फ्रंट खुलने के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right. बाइडेन के दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अब भी तेल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों पर हमास के रॉकेट हमले जारी हैं। गाजा बॉर्डर के साथ साथ रहीम इलाके में, बैरी इलाके में और ऑफकेम में किस तरह से तमाम खेतों के अंदर इजरायली फोर्सेस ने जमावड़ा शुरू कर दिया है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, हर जगह टैंक और गाड़ियां दौड़ रहे हैं। गाजा के साथ साथ लगता है ये सारा इलाका जहां खेत है, यहां आर्मी के टैंक, कॉम्बैट वाहन, मिसाइल और आर्टिलरी गन्स खड़ी करने के लिए तैयारी की जा रही है। बड़ी डिफेंस लाइन तैयार कर दी है इजरायल फोर्सेस ने एक लंबे युद्ध की तैयारी के तौर पर। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इजरायल और हमास की जंग पर रूस और चीन की भी पैनी नजर है। जब बाइडेन इसराइल में होंगे तो दूसरी तरफ चीन और रूस भी नई रणनीति तैयार कर रहे होंगे। पुतिन तो बेल्ट एंड रोड फोरम की मीटिंग के लिए बीजिंग पहुंच भी गए। कहा जा रहा है कि जब बाइडेन तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे होंगे उसी दौरान रूस और चीन अपनी नो लिमिट वाली फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। संभावना है कि इसराइल हमास युद्ध पर दोनों देश साझा बयान भी जारी कर सकते हैं। अगर इसराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उससे कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। जरूरी यह है कि इस वक्त इस खून खराबे को रोका जाए। इस जंग में फिलहाल क्या पोजीशन है, कौन किसके साथ है, ये समझना भी जरूरी है। पश्चिम को मिलाकर कुल 84 देश इसराइल के साथ हैं, वहीं मुस्लिम वर्ल्ड को मिलाकर 60 देश फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो विश्व की 40% आबादी इसराइल जबकि 43% फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी है। इसराइल को गोला बारूद पहुंचाने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल हैं। वहीं फिलिस्तीन को ईरान से मदद मिलती है। अमेरिका ने अभी तक प्रमुखता से इसराइल का सपोर्ट किया है तो दूसरी ओर रूस और चीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। इसराइल का वजूद सही सलामत रहे उसे ये गारंटी तो हासिल है, लेकिन फिलिस्तीनियों के बारे में कौन सोच रहा है? जो दर्द उन्होंने पीढ़ियों तक झेला वो अब जारी नहीं रह सकता। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार वाली सप्लाई लाइन खोली हुई है, इससे यूक्रेन वाला युद्ध अभी लंबा खींच रहा है। अगर अमेरिका इसराइल को भी हथियार देना जारी रखता है तो फिर ये लड़ाई
मिडिल ईस्ट का नक्शा भी बदल सकती है। सवाल है, क्या रूस और ईरान ऐसा होने देंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।